बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो काजू की गज़ाइयत है। काजू कैशियो, न्यूट्रिशन फैक्ट्स ऑफ कैशियो बताऊंगा। ये काफ़ी मुल्कों में पाया जाता है। इसका जो एक फल होता है और साथ ही उसके नट लगा होता है उस फल के साथ ही, और जो इसका फल होता है वो कैशियो एप्पल कहलाता है, और इसके साथ साथ जो नट होता है वो काशियो बन जाते हैं। कैशियोज आर लो इन शुगर एंड रिच इन फाइबर, हार्ट हेल्दी फैट्स एंड प्लांट्स प्रोटीन। दे आर आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी एंड बोन हेल्थ एटसेट्रा। काजू एक अच्छा लजीज फल है। इसका इस्तेमाल भी बहुत मुफीद है, लेकिन इसकी एक महदूद यानी कुछ लिमिट में ही इसका इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद रहता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें शामिल हैं जो आपके किडनी को डैमेज करती हैं। तो इसको थोड़ी मकदार में लेना चाहिए, यानी 28 औंस तक और इससे ज़्यादा नहीं। अमाउंट पर 100 ग्राम्स इसमें जो कैलरीज पाई जाती हैं 553 हैं। टोटल फैट 44 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 8 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं है, सोडियम 12 मिलीग्राम, पोटाशियम 660 मिलीग्राम, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स जो इसमें 30 ग्राम, डाइट्री फाइबर इसमें 3.3 ग्राम। काशियो जो है इंडिया में भी पाया जाता है, बाकी काफ़ी मुल्कों में इस्तेमाल होता है। इसको प्लांट को दूध के लिए, इसको जो डेयरी मिल्क है उसके मतबादल में भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो इसके एप्पल है उसको अच्छा है ये, यानी जैम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चटनियों में इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो ड्राई फ्रूट जो है, इसका एप्पल के साथ जो नट होता है, इसको आप हम भी खाते हैं जो सर्दियों में है, टेस्टी होता है। और इसको थोड़ा सा फ्राई किया होता है नमक सा लगा के। शुगर इसमें 6 ग्राम, प्रोटीन 18 ग्राम, विटामिन सी नहीं होता, कैल्शियम इसमें 3% है, आयरन 37% है, विटामिन डी नहीं है इसमें, विटामिन B6 अच्छी मकदार में पाया जाता है, कैल्शियम नहीं है, और इसमें मैग्नीशियम बहुत होता है जो 73% है, 73%। इसको इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, और आप ज़िंदगी एंजॉय करते हैं तो काजू आप ले के कुछ ना कुछ सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अल्लाह की तरफ से जो आप इंसान को अच्छी अच्छी चीज़ें अता की गई हैं उनका फ़ायदा भी उठाएं और लज़्ज़त भी उठाएं। हाउ मैनी कैशियोज कैन यूज़ ईट इन ए डे? द नट्टी एंड क्रीमी फ्लेवर ऑफ कैशियोज कैन बी टेम्पटिंग एंड इट्स ईजी टू एंड अप कंज्यूमिंग टू मच इन वन सिटिंग। ट्राई टू कंज्यूम नो मोर देन 1 औंस 28.35 ग्राम्स ऑफ मीडियम काशियो ए डे टू रीप बेनिफिट्स। इसमें ये देखें, कहा गया कि आप 28.35 ग्राम से ज़्यादा 1 औंस आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये आपके आगे बताएगा कि किडनी को डैमेज वगैरह करता है। वैसे तो ये मज़े के होते हैं जब आपके सामने पड़े हों, तो आप एक सिटिंग में ही, कोशिश यही होती है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, तो बंदा खाते ही चला जाता है, खाते ही चला जाता है। नट्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियोज एंड कैशियोज आर ऑफन कंसिडर्ड टू बी ए गुड फूड फॉर स्लीप। थ्रू द एग्जैक्ट अमाउंट्स कैन वरी, नट्स कंटेन मेलाटोनिन एज वेल एज एसेंशियल मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक।
that are essential to a range of body processes. इसमें देखें काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, मैग्नीशियम है इसमें, एसेंशियल मिनरल शामिल होते हैं और ये बॉडी प्रोसेस में जो सपोर्ट करते हैं वो पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आम बंदे को बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे बड़े सब कुछ ना कुछ इसका जो सीज़न आता है सर्दियों में इसमें इस्तेमाल भी करें। आपको पता है आजकल जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये जो कोविड-19 या जो वायरल इन्फेक्शन आई हैं उनके लिए ये ड्राई फ्रूट्स काफ़ी रेजिस्टेंस रखते हैं। हाई ऑक्सलेट कंटेंट कैशियोज हैव ए रिलेटिवली हाई ऑक्सलेट कंटेंट व्हेन ईटन इन लार्ज क्वांटिटीज, दिस कैन lead to kidney damage and other chronic health problems. तो दोस्तों वीडियो ख़त्म होने क्यों है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रमोशन का दौर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सदा खुश रहें।